आज पर्यावरण दिन के मौके पर हम एक प्रतिस्पर्धा घोषित कर रहे हैं कि सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस, 800 यूनिवर्सिटीज और 40,000 कॉलेजेस सबके लिए खुली रहेगी कि जिसमें अपना कैंपस साफ सुथरा करें, क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत का हिस्सा बने, पेड़ लगाए, पानी की बचत करे, ऊर्जा की बचत करे और जो कचरा वहां तैयार होता है रोज, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग रहते हैं और हजारों की तादाद में लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो जो कचरे का अच्छा प्रबंधन, ये सब जो कैंपस करेगा उसे सही में स्मार्ट कैंपस हम घोषित करेंगे और इसकी प्रतिस्पर्धा के नियम यूजीसी AICTE सब तैयार करके भेजेंगे और ये क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस, स्मार्ट कैंपस, ये हम प्रतिस्पर्धा करेंगे और जनवरी में उसका परीक्षण भी होगा और उसके बाद फरवरी में उसके जो विजेताए हैं उनके नाम भी घोषित होंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा इसलिए कर रहे हैं कि ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, कचरे का प्रबंधन और साथ ही साथ ग्रीन कैंपस और स्वच्छ भारत, ये सब हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, जीवन शैली का अंग बने, छात्रों को ये भी पाठ काम से मिले, इसके लिए ये प्रतिस्पर्धा हम घोषित कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक साल के अनुभव के बाद स्कूलों में भी, क्योंकि स्कूलों में पहले से ही थोड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहां भी ले जाएंगे। लेकिन आज ये स्पर्धा मूलतः 40,000 कॉलेजेस और 800 यूनिवर्सिटीज के लिए हम कर रहे हैं। सर, जैसे कि पिछले साल आपने पर्यावरण विषय में जो जागतिक स्तर पे एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसने दुनिया ने वो करार माना था, बाद में US उसको मुकर गया है, तो PM मोदी ने उनको टंकी की चोट पे उनको बोला है कि ये, तो ये आपकी एक सफलता है। ऐसा है, पेरिस के समझौते पर भारत अड़िग इसलिए है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा और जीवन का संतुलन ये भारत के जीवन शैली का अविभाज्य घटक है, हमारी ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमारे लिए प्रतिबद्धता है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है और इसलिए इसका हम पालन करते हैं, क्योंकि इससे ही विश्व की बेहतरी हो सकती है और इसलिए जो भटक गए वो सुधर जाएंगे, लेकिन हम हमारे रास्ते पर चलते रहेंगे, वही मार्ग होगा और वही मार्ग प्रशस्त होगा।